दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सानू के चैनल में। दोस्तों आज सेंगा का पत्ते का पकौड़ा बनाने जा रही हूँ, बहुत टेस्टी है, तो चलिए मेरे साथ। पकौड़े बनाने के लिए ऐसा पत्ता निकालूंगी, 3 बार वॉश करूंगी और उसके लिए साहित्य 1 कटोरी बेसन, 1/2 कटोरी पानी, 1 चम्मच अक्का धनिया, 2 हरा मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 कांदा और 2 स्पून चावल का आटा। अगर चावल का आटा नहीं रहेगा ना आप लोग के पास तो आप लोग रवा भी डाल सकते हो। ये सब डाल के पकौड़ी बनाऊंगी। कांदा भी बारीक कट कर दिया, हरा मिर्ची भी कट कर दिया और 3 पानी से धो के साफ कर दिया मैंने। अभी एक बॉल में, बड़ा सा बॉल में डालूंगी। सेंगा का पत्ता डालूंगी। बेसन डालूंगी। तेल ऑलरेडी चढ़ा दिया है मैंने। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनूंगी। तो कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। और 1/2 कटोरी पानी में 4 चम्मच बच गया है। अभी तेल भी गर्म हो गया। अभी मैं थोड़ा छोटा छोटा पकौड़ा डालूंगी, चूल्हे आग में बनाने के लिए, खास आग में नहीं। बहुत आप लोग मेथी का पकौड़ा भी भूल जाओगे, इतना क्रिस्पी और एकदम टेस्टी। मालूम है तेल का चीज़ खाने का नहीं अच्छा नहीं हेल्थ के लिए, मगर थोड़ा खा के खुश रहने का। मेरा पकौड़ा बन के एकदम ब्राउन हो गया है। अभी मैं गैस बंद करके आपको प्लेट में सर्व करके बताऊंगी। शेजवान चटनी के साथ खाते हैं। चलो टेबल पे मिलते हैं। सेंगा का पत्ते का पकौड़ा बना के प्लेट में सर्व कर दिया है और शेजवान चटनी भी रखा है। शेजवान चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है और बहुत क्रिस्पी बना है। और ये पकौड़ा बनाओगे ना आप मेथी का पकौड़ा भी भूल जाओगे, इतना टेस्टी है। अभी मैं आप लोग को एक खा के बताती हूँ, खाली आप लोग आवाज़ सुन सकते हो मेरा। इतना टेस्टी बना है, आप लोग भी ज़रूर बनाइए और खाइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।